विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने हस्ताक्षर कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बुके देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस गोष्ठी में जनपद से 200 CHO ने भाग लिया, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ साथ अब मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों के भी मददगार बनेंगे। जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा है कि समाज स्वस्थ हो ताकि देश आगे जाए। समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में CHO की अहम भूमिका है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से CHO को जोड़ने से समुदाय को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि नकारात्मक विचार या हीन भावना आना, कम या ज्यादा सोना और अक्सर उलझन व घबराहट महसूस करना आदि से यदि कोई ग्रस्त है तो उसे तत्काल चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। एक ही विचार मन में बार बार आना, एक ही कार्य करने की बार बार इच्छा होना, डर लगना, अनावश्यक शक होना, कानों में आवाज आना, मोबाइल या किसी नशे का लत होना आदि भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण वाले लोगों की स्क्रीनिंग करें और उन्हें जिला अस्पताल में चलने वाली मानसिक रोग की OPD में भेजें। ऐसे रोगियों को उन निकटतम CSC और PSC पर भी भेजा जा सकता है कि जहां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जाती है। वहीं CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए की थी। इसे साकार करने के लिए आवश्यक है कि अगर मानसिक रोग के लक्षण दिखे तो बिना देरी और संकोच के अस्पताल की मदद लें। इस अवसर पर जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर, महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव, ACMO RCH डॉक्टर नंद कुमार, DHEIO KN बर्नवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, कार्यक्रम आज इसकी शुरुआत की गई विश्व के करीब 150 देशों का संगठन है इस कार्यक्रम के लिए और हर है इस बार का थीम जो है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। ये थीम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मैं बहुत ज़्यादा जबकि हमारी पूरी शिक्षित टीम है जो 5 लोगों की हमारी कहते हैं कि पांडवों की टीम है जो हर युद्ध जीत सकते हैं, उनके समक्ष अगर मैं मानसिक रोग के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मैं ये लोग कहेंगे कि आप स्वयं मानसिक रोग हैं। मैंने सिर्फ इतना स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो WHO ने दे रखी है, शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल जो होते हैं, 3 होते हैं, एक ट्राईपॉड होता है, इसमें से अगर कोई भी गड़बड़ा जाता है तो हमारी जीवन की गाड़ी नहीं चल पाती है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ हो और चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो। मैंने जितना पढ़ा है सिर्फ इतना पढ़ा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही हो सकता है जो सत्य का अनुयायी हो, जो धर्म का अनुचरण करता हो, जो अपने समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करता हो और जो संविधान का में आस्था रखता हो, और व्यक्ति कभी भी मानसिक रोगी नहीं हो सकता। मानसिक रोग तभी दिमाग में आता है जब हमने अतिरिक्त चाहत होती है, हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जब हम अपने साथी को गिराने की कोशिश करते हैं या हम किसी प्रकार से अन्य अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं या किसी भी चीज़ों को करने के लिए
तो एक तरह से यह हमारी अपनी स्वयं की विकृति होती है, सोच की वजह से होती है। जैसा कि भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आजकल आदमी स्वकेंद्रित होता जा रहा है, वो अपने चाहे मोबाइल पर होगा, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे माता पिता के बीच में हो, चाहे बच्चों के बीच में हो, हम लोगों ने संवादहीनता इतनी ज़्यादा हो गई है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बातें दीवार गिरा देती हैं। अगर हमारे मन में आपके प्रति कुछ कटुता है या आपके मन में हमारे प्रति कटुता है, अगर निश्चित है, अगर हम लोग एक टेबल पर बैठ कर के बात करेंगे, 99.99% ये है कि हम लोगों की वो कटुता समाप्त हो जाए। गोरखपुर में जिस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार की के कार्यक्रम हो जागरूकता के या स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के हर अभियान में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी करता है, काम चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति हो रही हो या जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम चले हों, उसमें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सेदारी होती है, दो चार जनपदों के नाम आते हैं, उसमें गोरखपुर जनपद भी है। मैं गोरखपुर जनपद के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सबको इस सब के लिए अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने के लिए बधाई देता हूं। हमारे सभी डॉक्टर्स जो अभी हमारे पहले वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, विश्व मानसिक रोग के बारे में जो 1992 से ये अभियान पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, इसके बारे में विस्तार से मानसिक रोगों के में कैसे जागरूकता फैलाई जाए, जागरूकता अभियान चलाए जाए और क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में विस्तार से सब लोगों ने बताया है। सरकार की भी मंशा है कि समाज स्वस्थ होगा तभी वो देश भी एक आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मेडिकल के क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार लगातार, मैं 2017 के पहले देख रहा था गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का भार सहन करता, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बिहार के कुछ जिले और नेपाल के कुछ जिले भी इस पर आश्रित रहा करते थे, और 2017 के पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 के पहले सांसद के रूप में थे, रोज एमसीआई की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तलवार लटकती थी, रोज यहां पर उसकी मान्यता खतरे में है और कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती थी, उस समय भी लगातार हम सब उस विषय को आगे बढ़ाते थे। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में स्वयं 2017 से योगी जी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव हुए, हम सब इसका आकलन कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक रोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और एक सप्ताह तक हमारा ये चलता है, जिसमें हम लोग जो है एक साप्ताहिक विश्व मानसिक रोग दिवस का सप्ताह मनाते हैं। और हमारा यह कार्यक्रम जो है 1992 से शुरू हुआ था, इसकी मूल भावना ये थी कि लोगों में मानसिक रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ जो समाज में एक धारणा थी कि मानसिक रोगियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, उसको मिटाने के लिए था। और यह दिखाया भी ये था कि मानसिक रोग किसी दुष्परिणाम या किसी उसका नहीं होता है, बल्कि शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं और मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के कारण, या जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तब हो जाते हैं। और ये देखा गया कि किसी भी देश के विकास के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उतना सबल नहीं होता जितना शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना व्यक्ति का जरूरी है। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो मानसिक रूप से
आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से सत्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सत्य का फॉलोअर हो, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, संवेदनशील हो तथा जो है अपने समाज के नियमों का पालन करने वाला हो। जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं उनके निर्णय सदैव सार्थक होते हैं और वो देश निर्माण में सहायक होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि मानसिक रोगी किसी प्रकार के उसके नहीं होते, बल्कि ये एक तरह से शरीर में जो हमारे तमाम तरह के एंजाइम्स होते हैं जब डिसबैलेंस हो जाते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो इसी सब पर जो है एक गोष्ठी करने के लिए, लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए एक जो कॉमन फ्रेज हमारी रही है, रोग से घृणा करें रोगी से नहीं, इसी मूल भावना को लेकर के आज हम लोग समाज में जागरूकता के लिए, गोरखपुर की जनता में जागरूकता के लिए कि अगर कोई भी मानसिक रोगी उनके परिवार में या उनके समाज में या उनके इर्द गिर्द में है तो उसको वो हमारे यहाँ चाहे जिला अस्पताल में हमारे पास मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं या हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेडिकल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे परामर्श लें और निश्चित रूप से है कि वो कुछ दिन इलाज कराएंगे तो मुख्य धारा में वो सम्मिलित हो जाएंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित थी और संगोष्ठी में कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जाए, कैसे लोग स्वस्थ रहें, इनके बारे में एक गोष्ठी थी। सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अलग अलग अपनी बातें कही है और उसके आधार पर हमारे जो CHO हैं जो 5,000 से 10,000 के बीच में जन जागरूकता अभियान को चलाते हैं वो सब लोग भी जिले भर के आए थे, सारे चिकित्सक थे, उसके भी बीच में सबको बीच में ये जागरूकता अभियान कैसे चलाया जाए और लोगों को स्वस्थ रखने रहने के अलग अलग टिप्स दिए जाएँ उसके बारे में ये गोष्ठी आयोजित थी।